हाय गाइस, ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। लूला पलूजा इंडिया ने मुझे 2 दिन का पास भेजा जिसमें बहुत सारा सामान है, जैसे कि ग्लास, टी शर्ट, बंदाना, जूट का बैग और 2 दिन का पास। उसके अंदर जो ये ग्लास निकला है ये कस्टमाइज है, जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आज मैं डे वन के लिए रेडी होकर निकली और सीधे हाईवे पर पहुँची। आप देख सकते हो कि मेट्रो भी है, गाड़ी चल रही है और गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा है। मैंने याद से पास ले लिया और दो दिन का पास है ये, और बंदाना पहन लिया। हम सीधे पहुंच गए टोल नाका पे, मैंने टोल पे किया, टोल क्रॉस किया और अब हम आ गए हैं सीधे सीलिंग पर। वहां से गुजरते हुए हम पहुंच गए वेन्यू पर। ड्राइवर पार्किंग और ड्रॉप पॉइंट ढूंढ रहा है। आफ्टरनून का टाइम है, काफ़ी धूप है लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैंने अपना स्पोर्ट्स शूज़ पहना क्योंकि मुझे कम्फर्टेबल होना था, ये रेस कोर्स में हुआ तो काफ़ी चलना था। और मैंने अपना जूट का बैग ले लिया, टी शर्ट पहन लिया और यहाँ से सीधे मैं अंदर जा रही हूँ। काफ़ी पब्लिक जा रही है मेरे अलावा भी। मुझे सेल्फ़ी पॉइंट मिला, मैंने वो बंदाना भी पहन लिया, सेल्फ़ी निकाला और यहाँ से पहुँची सीधा स्टेज के पास। स्टेज नेक्सा, जहाँ पर बहुत पब्लिक खड़े होकर देख रही है, कुछ रेडी हो रहा है, कुछ पब्लिक यहाँ वहाँ भटक रही है। दिन का टाइम है, धूप है, फिर भी बहुत पब्लिक आई थी इस शो में। बहुत सक्सेसफुल शो रहा 2 दिन का और यहाँ वहाँ पब्लिक भटक रही है। धूप की वजह से मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। और ये देखो, वेले बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। स्टेज पर आ गई है जैपनीज़ ब्रेकफास्ट, और भी लोग आए मगर मैंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को देखा। देखो कितने प्यारे और क्यूट लग रहे हैं एपी डिलन। इसके बाद स्टेज पर और भी शोज़ हुए मगर मैंने इमेजिन ड्रैगन को देखा। ही इज़ कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। डे वन ख़त्म हो गया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ से निकली, घर वापस जा रही हूँ। पूरा लिट अप है क्योंकि 26 जनवरी या 1-2 दिन पहले नेक्स्ट डे पहुंच गई और सबसे पहले बुक माई शो पर पहुंच गई, सेल्फीज़ लिया, सीधे यहाँ से निकली और डांस कर रही हूँ। लिवाइज का भी यहाँ पर मर्चेंटाइज है। आज का शो जो सेकेंड लास्ट परफॉर्मेंस था वो डिवाइन का था। लास्ट परफॉर्मेंस डिप्लो ने किया। 2 दिन बहुत अच्छे गए गाइस। ओवरऑल शो बहुत सक्सेसफुल था। हालांकि मैं आज बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ और बहुत लेट मैंने इसको डब किया, एडिट किया और सब कुछ किया।